अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार लाजवाब आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने दो पके हुए मैंगो ले लिया है, जिसे साफ से धो लिया है। अब इसके हम पल्प निकालेंगे। इसी तरह हम सारे आम के पल्प निकाल लेंगे। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। अब इसमें हम आम के कटे हुए पल्प को डालेंगे। अब इसमें हम हाफ कप दूध ऐड करेंगे। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप दूध की मलाई ऐड करेंगे। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप इसे रोक रोक के पीसें ताकि इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार हो सके। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट बनके तैयार हुआ है। अब इसे हम मोल्ड में डाल लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है, इसमें हम मैंगो आइसक्रीम को पोर करेंगे। अब इसे हम स्प्रेड कर देते हैं। अब इसे हम बंद कर देते हैं और 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना बेहतरीन जमा है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार है। तो आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। ना घंटों दूध को पकाने का झंझट है और ना कोई बिस्किट, कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर मिलाना पड़ा। तो एकदम आसानी से घर पर रखी कुछ चीजों से ही आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।